हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये क्वेश्चंस आरआरबी के इतिहास में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, ये साइंस का प्रश्न है। तो आप सभी रेलवे की तैयारी करने वाले इस 50 क्वेश्चंस को पूरा देखें और अपने तैयारी को एक नए लेवल पर तक ले जाएं, ठीक है। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह टॉप अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। चलते हैं वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आपके साथ आ चुका है, 100 क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं। तो किस धातु को कहते हैं, ये सोना धातु को नोबेल धातु कहते हैं। इसका संकेत होता है AU। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में जो वृद्धि होती है वो होता है मटर का पौधा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम जो है खाना पकाने, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaH और CO3, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, क्या बोल रहा है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ का को मिलाया जाता है ना। रबड़ को जब टाइट करते हैं ना उसको, तो टाइट करने के लिए उसमें सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सल्फ़र जो होते हैं, है ना, उसको S से डिनोट किया जाता है, सल्फ़र को, ठीक है ना। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये है आपका एक उदासीन होता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपका ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। लोहे की जो प्रकृति होती है ना, वो लौह ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। लौह का जो परमाणु संख्या आता है वो होता है 26, और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो होता है Fe2O3, जिसको हेमेटाइट कहते हैं, जिससे लोहा का निष्कर्षण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 7वां प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं, है ना। तो वो होते हैं 20 दांत, है ना, यानी कि 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन में वो दोबारा विकसित होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो वो किया गया जीन के संरक्षण के लिए उनको हर गोविंद खुराना जो थे उनको सम्मानित किया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, तो वो होते हैं 8 हड्डियाँ। अगला प्रश्न क्या है, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का जो मुख्य कारक है वो है प्राकृतिक वरण का मुख्य कारक है। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है। तो सर्वदाता का मतलब जो होते हैं आपका यूनिवर्सल दाता, मतलब डोनर, है ना, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ ग्रुप का जो दाता होते हैं वो रक्त सभी को दे सकते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्वव्यापी रक्तदाता समूह कहा जाता है। और एक होता है AB, है ना, AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही मतलब सबसे ये ले सकता है।
अगला प्रश्न क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। ये विटामिन सी सबसे अधिक जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो आंवला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो वो लैमार्क ने समझाया था, लैमार्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न 14वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो वो होता है केवल दिन के समय में होता है प्रकाश संश्लेषण। जब सूर्य है ना आती रहती है, सूर्य की किरणें आती रहती है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में होती है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है, तो वो किसकी कमी से होता है रक्तहीनता, आयरन की कमी से। आयरन का मतलब लोहा का कमी से, लोहा यानी कि Fe, इसका संकेत Fe होता है, इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन से होती है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, ये जांग में पाया जाता है, ये मजबूत सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। और मुंह के जबड़े का जो हड्डी होता है वो होता है एनामिल। अगला प्रश्न क्या है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, वो किसका है, वो किस में पाया जाता है, तो वो यकृत में यानी कि लीवर में वो रोग होता है, ब्रोंकाइटिस। अगला प्रश्न है, BCG का टीकाकरण दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, वो क्षय रोग के बचाव के लिए जाता है। क्षय रोग का मतलब TB का जो बीमारी होता है ना, वो टीबी का मतलब क्षय रोग है ना, उनको BCG का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो फैलने वाला बीमारी है वो है कुष्ठ रोग। कौन सा, कुष्ठ रोग है सबसे अधिक तेज़ी से फैलने वाला रोग। अगला प्रश्न क्या है, घावों को शीघ्र भरने की सहायता करने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग कहता है? तो घावों को सबसे अधिक जो भरने में सहायता करता है वो कहता है विटामिन के द्वारा घावों को जल्दी से भरा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अनुवांशिक कुट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है, तो वो हैं DNA, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न है आपके सामने, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, यानी उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है घटता है ना। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो उनके लिए है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन D प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो वो कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न क्या है, बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो बेरीबेरी रोग जो होती है वो विटामिन B1 की कमी से होता है ना, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। हैजा रोग का वाहक है, हैजा रोग किसके वो होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का जो हिस्सा खाया जाता है उसको बोलते हैं तना, उसको बोला जाता है तना उसको खाया जाता है। अगला है, जाराबिक सेवन क्या है? तो जाराबिक सेवन जो है वो है कृत्रिम हृदय है ना, आर्टिफिशियल हार्ट है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 29वां हो चुका है, अब 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न क्या है, मांसपेशियों में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो मांसपेशियों में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो
डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन पैमाने पे 310 केल्विन होता है। ये तीन चीज़ें याद रखें, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना पाएंगे आराम से। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट किसी भी एक डेटा दिया हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया का जो अधिकतम मात्रा है वो मूत्र में पाया जाता है, यानी कि यूरिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? 62 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल का अथवा दूध को गर्म करना ही पाश्चराइजेशन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या है? यह है आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो। किसके हृदय में तीन भाग होते हैं? किसके हृदय में तीन भाग होते हैं? तो वो होते हैं मेढक के। मेढक के जो हृदय होते हैं उनमें तीन भाग होते हैं। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है? तो विटामिन B6 की जो कमी जब होता है तो मानव में हो जाता है रक्ताल्पता, है ना, रक्तअल्पता, इसी को बोलते हैं एनीमिया। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो जिसको जिस व्यक्ति को हो जाता है, जिन मनुष्य को हो जाता है वो उन्हें इंसुलिन एक हार्मोन दिया जाता है ताकि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। दौड़ते समय मनुष्य की रक्तचाप बढ़ जाता है, तो दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या होता है, बढ़ जाता है ना, यानी उसका ब्लड प्रेशर उस समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रक्त हीमोग्लोबिन में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन में वो उस समय उनमें पाया जाता है लोहा, लोहा पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 26 होता है और इसे Fe से डिनोट किया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो खाने वाला भाग है उसको तना कहा जाता है। अदरक को भी तना खाया जाता है और प्याज को भी तना ही खाया जाता है। 44वां प्रश्न, एड्स की बीमारी फैलती है किसके कारण? तो एड्स की जो बीमारी फैलती है वो वायरस के कारण फैलता है, है ना, कौन सा, वायरस के कारण फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो वो जहरीले जो पदार्थ होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं वो उसको टॉक्सिन्स कहे जाते हैं। किसको कहते हैं? टॉक्सिन्स कहते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वो जल के प्रवाह को ज्ञात किया जाता है। जल के प्रवाह यानी यदि जल का प्रवाह हो रहा है तो उसको वेंचुरीमीटर से मापा जाता है जल के प्रवाह की दर को। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था बिडल और टेटम ने दोनों मिलकर ने जीन का एक एंजाइम को प्रतिपादित किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच मान का जो निर्धारण किए थे वो सोरेनसन ने किया था। पीएच मान जो होता है आपका 0 से लेकर के इधर 14 होता है, जीरो से लेकर के 14 के बीच में होता है ना,
जीरो से यानी कि सात यहाँ पे बीच में है और सीधा सात से अधिक जो होता है उनको क्षारीय कहा जाता है और सात से कम जो होता है उसे अम्लीय कहा जाता है और जो सात के बराबर होता है उसे उदासीन कहा जाता है, है ना। इसका जो निर्धारण यानी कि खोज किया था वो सोरेनसन ने किए थे। किसने? सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न क्या है? दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण को चमक देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण के चमक देने के लिए। दर्पण के जो पिछला भाग होता है ना जिसमें चमकता है। अगला प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपवर्तित रहेगा, है ना, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा, अपवर्तित रहेगा यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर जाती है तो उसमें व्यक्ति जो अस्थिर होता है उसका भार जो होता है वो अपवर्तित रहता है, मतलब चेंज अनचेंज होता है, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर यदि पुराने देख रहे हैं तो वो लोग बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।